हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में अस्तर वाले ब्लाउज़ की मैं कटिंग बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपने अपना चेस्ट का नाप लेंगी, फिटिंग अच्छे से लेना है। जो भी आपका चेस्ट आता है, इंची टेप को इस तरीके से पकड़ना, थोड़ा टाइट ही, क्योंकि ब्लाउज़ टाइट होता है, ठीक है। उसके बाद अब आपने अपनी कमर का निशान लगाना है, तो कमर का निशान भी आपने एकदम फिटिट एकदम टाइट करके निशान लगाएंगी। इसकी 28 है, तो मैं यहाँ पर कम से कम 27 तक मेरा यहाँ पर निशान आ रहा है टाइट में, ठीक है। तो ब्लाउज़ की फिटिट होती है। और लेंथ आपने किस तरीके से लेने वो समझा देती हूँ। लेंथ आपने ब्रास से 1/2 इंच नीचे होती है ब्लाउज़ की हमेशा लेंथ। अगर आपको थोड़ा और लॉन्ग अच्छा लगता है तो 14 भी ले सकती है, लेकिन 13.5 इंच ब्लाउज़ की एकदम परफेक्ट लेंथ है। उसके बाद आपने शोल्डर देखिए किस तरीके से लेना, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद लेंथ भी लेनी है, तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं, जितनी भी आपकी लेंथ है, ठीक है। आप ब्लाउज़ में जैसे कि मेरे पास ये अस्तर है, तो उसको आप वॉश करके ही आपने सबसे पहले अपना ब्लाउज़ रेडी कर लेना, इसको धो लेना अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद ही आपने इसको प्रेस प्रेस करके फिर आप इसमें ड्राफ्टिंग कटिंग करेंगी। मेरे पास ये 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा अस्तर है, ठीक है। और ये इसका ब्लाउज़ का पीस है, तो आप ये देखिए ये भी कितना होना चाहिए, एकदम जितना अस्तर है उससे हमारा ये ब्लाउज़ पीस भी बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी रोंग साइड अपनी तरफ रखनी है, पहचान लो कि कौन सी रोंग साइड है, उसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड आपको अपनी तरफ करना है, ठीक है। अपनी तरफ डबल फोल्ड करके ये मेरी रोंग साइड है, इसी पर ड्राफ्टिंग होती है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब क्या कर रहा है उस चीज़ को देख लीजिए। जब फोल्डेड साइड आपने अपनी तरफ रखकर अपना चेस्ट का चौथा हिस्सा करके 2 इंच आपने यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाना है। मैंने ब्लाउज़ की कटिंग ऑलरेडी बहुत सारी डाल रखी है, ठीक है। अपना चेस्ट का चौथा हिस्सा करके 2 इंच मार्जिन करते हुए आपने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन इस सही से आपने ड्रॉ करना है, जो भी तिरछा कपड़ा है वो एक तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना उस चीज़ को समझिए। आपने ब्लाउज़ की लेंथ देखी, इसे 13.5 है, तो आप चेक करिए कि दोनों तरफ 13.5 13.5 निकल रहा है, मार्जिन भी अच्छे से निकल रहा है। देखिए 3-4-5 इंच मेरे पास मार्जिन यहाँ पर है। तो सबसे पहले आपने अपनी ब्लाउज़ की लेंथ का निशान लगाना है 13.5 इंच, और उसमें प्लस 1 इंच आप मार्जिन लेंगे। जब भी हम बैक पल्ले की कटिंग करते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, जितनी भी आपकी टोटल लेंथ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, ठीक है। अब देखिए 13.5 थी और 1 इंच एक्स्ट्रा 14.5 इंच यहाँ पर हो गया है। अब आपने देखिए ये चीज़ समझिए, अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर जो बोन होती है ना, शोल्डर पर जो हड्डी होती है, दोनों तरफ वहाँ का एंड होगा तो वो आपका तीरा कहलाता है। तो यहाँ पे मेरे केस में शोल्डर जो है 14 इंचेस आ रहे हैं, तो आपने भी अपना शोल्डर नापना है इसी तरीके से, अगर आपका खुद का बना रही है ब्लाउज़, ठीक है। शोल्डर है 14, तो उसका हाफ करेंगे 7 इंच लेते हैं, और 2 इंच यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि अगर आप 7 इंच से ऊपर का बनाती हैं तो शोल्डर में से 2 इंच माइनस कर दीजिए। उसके बाद 5 इंच मैंने शोल्डर लिया था, आर्म होल 5.5 इंच मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है। इधर से भी आपने जितना ऊपर से लिया है उतना नीचे से लेंगे, और एक लाइन ड्रॉ करके आपने इस तरीके से बॉक्स बनाना है। गले की चौड़ाई 2 इंच ले रही हूँ, और बैक नेक मेरा 8 इंच है, तो यहाँ से मैं 8.5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। 8.5 लेने के बाद अब मैं यहाँ से 2.5 इंच ले रही हूँ, और एक स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ करनी है। उसके बाद एक राउंड शेप आपने यहाँ पर देनी है, ठीक है। राउंड शेप देने के बाद अब आपने क्या करना है उस चीज़ का ध्यान रखिए। अपनी चेस्ट का फिटिंग का निशान लगाएंगी और 2 इंच मार्जिन लेंगी, जितनी भी आपके चेस्ट है ऐसे कमर का चौथा हिस्सा करके 1 इंच टक्स का और 2 इंच मार्जिन का निशान लगाएंगी, ठीक है। अब इन निशानों को आपने स्ट्रेट ड्रॉ करना है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर 1.5 इंच की गोलाई देनी है, बैक में 1.5 इंच की गोलाई देनी है। कर्व का भी यूज़ कर सकती हैं, अगर नहीं है कर्व तो अपने हैंड से राउंड शेप आप यहाँ पर दे सकती हैं। उसके बाद क्या करना उस चीज़ को समझिए। आपने फिटिंग वाले निशान को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके जितना भी आपका फोल्डेड में आ रहा है इंची टेप निशान लगाइए, और उतना ही ऊपर की तरफ लगाइए। ये आपके टक्स का निशान लग गया है यहाँ पे, ठीक है। और 1/2 इंच आपने यहाँ से दोनों तरफ लेना है, क्योंकि 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो ये टक्स में आ जाती है। उसके बाद शोल्डर भी डाउन करने, लेडीज़ के शोल्डर थोड़े डाउन होते हैं, इसलिए आपने 1/2 इंच से शोल्डर डाउन करने हैं। देखिए मैं यहाँ पे फ्रंट की भी कटिंग करके दिखा रही हूँ, जितना आपने बैक में लिया शोल्डर उतना फ्रंट में लेंगी, नीचे से भी सेम टू सेम लेना है, ठीक है। अब उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपने क्या करना है, जितना भी मतलब कि जो बैक
फ्रंट की जो गोलाई लगती है 1 इंच की लगती है, और यहाँ पर आपने 1 इंच की गोलाई एकदम राउंड शेप में अच्छे से देनी है। अगर गोलाई अच्छे से नहीं आएगी तो आर्म होल में झोल आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से आपने हुक आई पट्टी के लिए मार्जिन भी निकाल लेना है, ठीक है, जितना भी आपका 1/2 इंच लेना है हुक आई पट्टी के लिए। अब उसके बाद जितना भी चेस्ट है उसका 1/4 हिस्सा करके अपनी फिटिंग का निशान लगाना है, ठीक है, और नीचे से भी आप ले लीजिए। और उसके बाद अपने गले की चौड़ाई लीजिए, देखिए 2 इंच आपकी गले की यहाँ पर चौड़ाई आ रही है, और लेंथ में यहाँ पर 5.5 है, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा 6 इंच ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर आपने एक राउंड शेप यहाँ पर देनी है, ठीक है। अब आपने शोल्डर को 1/2 करना इंच टेप, और अपने टक्स का निशान लगाएंगी, ठीक है। तो जितनी भी आपकी टक्स हैं, मेरी 9.5 है, यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ, 1.5 इंच यहाँ से, 1.5 इंच दूसरी साइड से, और आर्म होल वाली साइड से 2 इंच पे निशान लगाएंगी, ठीक है। आर्म होल पे 2 इंच आता है, और नीचे से भी 1.5 इंच, तो 3 जगह से 1.5 इंच है, आर्म होल से 2 इंच है, ठीक है। अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे, जितना भी आपकी लेंथ है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई में, 1/2 इंच नीचे दबेगा, और 1/2 इंच आपके टक्स में दबेगा, ठीक है। नीचे से 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद अब आप क्या करेंगी वो देखिए, अपना टोटल लेंथ अपना देख लीजिए, आपको परफेक्ट आना चाहिए। दूसरी साइड भी टोटल लेंथ लगाएंगी 1.5 इंच मार्जिन के साथ। अब आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, स्केल लेना है, और आपने अपने टक्स पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना है, ये थोड़ा तिरछा इस आर्म होल साइड से ड्रॉ करना है, और अपनी तरफ से स्ट्रेट, और आर्म होल साइड से भी थोड़ा सा तिरछा ड्रॉ करना है। उसके बाद 1/2 इंच आपने मार्जिन लिया था, ठीक है, डार्ट के लिए, तो ये आपकी 1/2 इंच यहाँ पर दब जाएगा, और यहाँ पर 2-2 पॉइंट यानी कि 1/2 इंच ऊपर से आता है, 2-2 पॉइंट दबेगा। जब स्टिचिंग करूँगी तो मैं बता दूँगी। देखिए फ्रंट और बैक का आपका कंप्लीट हो गया है ड्राफ्टिंग, अब आपने इनकी क्या करनी है, कटिंग करनी है, ठीक है। तो कटिंग भी आपने अपने मार्जिन वाले एरिया से करनी है, तो किस तरीके से करनी है देखिए, अपना मार्जिन वाले एरिया से आपने आर्म होल से और नीचे की साइड कटिंग करनी है। इसी तरीके से दूसरे पल देखिए सेम टू सेम कटिंग करनी है। ये आपके फ्रंट और बैक के पल्ले कटिंग हो चुके हैं। अब आपने अपने टक्स जहाँ पे डांटते हैं वहाँ पे टक्स कटिंग का निशान लगाइए, कट का निशान लगाइए, ताकि आप स्टिचिंग करते वक्त ये आपके मिलने चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कट का निशान लगाना है एक तरफ अच्छे से, नीचे की साइड हो गया, दोनों तरफ लगा दिया। अब आर्म होल की जो फिटिंग का निशान है इस पर भी आपने कट का निशान लगाना अच्छे तरीके से, कट का निशान यहाँ लगा दिया, फिर गले की चौड़ाई जितनी ली थी उसमें भी आपने टक्स का निशान लगाना है। जब हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की करते हैं तो हम गले की कटिंग एक साथ मतलब कि अभी नहीं काटते, ठीक है। अब आपने जहाँ जहाँ आपने टक्स लगाए हैं वहाँ पर कट का निशान लगा लीजिए। जब स्टिचिंग करेंगे तभी गला कटिंग करूँगी मैं, क्योंकि मुझे डिज़ाइन बनाना है। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, इसको डैप करके पीछे की साइड ले लेना, इसे डैब डैब करके आपने पीछे की साइड लेना है इस तरीके से, देखिए आ गया। अब आपने इसको आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ऐसे करके ट्रेस कर देना, दोनों तरफ आ जाएगा। ऐसे बैक पल्ले के लिए भी करना है आपने, ठीक है, और दोनों तरफ आपने निशान लेके चौक से डार्क कर लेना। अब देखिए ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पे मैं ब्लाउज़ की जो स्लीव्स है उसकी कटिंग करके बता रही हूँ। आप बिगिनर्स हैं तो इसी तरीके से कटिंग करिएगा, क्योंकि छोटा बड़ा स्लीव्स कट जाता है ना तो दिक्कत पड़ जाती है। तो देखिए चेस्ट का आपने 5/5 हिस्सा करके आपने निशान लगाना है। सबसे पहले अपने लेंथ का निशान लगाओ, जितनी भी आपकी लेंथ है 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जैसे कि 8 इंच मेरी स्लीव्स की लंबाई है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है शोल्डर की सिलाई के लिए, ठीक है। अब इन लाइनों को आपने क्या करना है, स्ट्रेट कर देना। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, 1.5 इंच नीचे से मार्जिन लेना है, ठीक है, यहाँ से भी 1.5 इंच मार्जिन लेना है, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 1.5 इंच तुरपाई में और चला जाएगा, या तो 1 इंच भी आप ले सकती हैं, मर्जी आपकी, ठीक है। और उसके बाद अब आपने 2 इंच 2.5 इंच का आपने निशान लगाना गले की गहराई देने के लिए, ठीक है। छोटा साइज़ है, अगर 34 से ऊपर बनाती है तो 3 इंच लगाएंगे, और छोटे साइज़ के लिए 2.5 इंच। अब स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपने क्या करना है वो अच्छे समझिए। जितना भी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक चेस्ट का 5/5 हिस्सा निकाल कर उसमें प्लस 1/2 इंच मार्जिन लेना है, ठीक है। इससे आपकी स्लीव्स परफेक्ट आएगी, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। ये करने के बाद अब आपने यहाँ पर स्ट्रेट तिरछा ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें गोलाई देनी होती है,
अब ये करने के बाद देखिए आपने करना क्या है, यहाँ से आपने 2 इंच जितना छोड़ देना है, ठीक है, 2 इंच छोड़ना है आपने। अब यहाँ से आपने 1/2 इंच ऊपर से लेना है और यहाँ से ग्राउंड शेप आपने यहाँ पर देनी है। राउंड शेप देने के बाद 1/2 इंच से लेते हुए आपने अपनी नीचे गोलाई का निशान लगाना है, 5.5 इंच है मेरी गोलाई और 1.5 इंच मार्जिन है, ठीक है। तो आप भी अपनी गोलाई का हाफ करिए और निशान लगाइए, और जितना भी आपका मार्जिन है 1.5 इंच नीचे से लेना चाहती है, 2 इंच लेना चाहती है, मर्जी आपकी, पर 1.5 इंच नीचे से सही है, ठीक है। और अब इसकी कटिंग करनी है आपने, मार्जिन वाले एरिया से लेते हुए ऐसे कटिंग करनी है, यहाँ पर कट का निशान भी ज़रूर लगाना है, ठीक है। अब 1/2 इंच जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी वहाँ से आपने कटिंग करनी है। इस तरीके से आपकी स्लीव्स हो गई है। अब देखिए इसको, देखिए कि आपकी स्लीव छोटी है या बड़ी है, ठीक है। यहाँ से आप शोल्डर जोड़ लीजिए, पिन लगा लीजिए एक, दोनों तरफ से आपने पिन लगानी है, ठीक है। तो ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्लीव्स की कटिंग करते वक्त बहुत प्रॉब्लम्स होती है। मैं भी जब बिगनर्स थी भाई, स्लीव्स कटिंग इतनी मुश्किल से होती थी, कभी कहाँ से छोटा पड़ रहा है, कभी कहाँ से छोटा पड़ रहा है, कहाँ से झोल आ रहा है। ब्लाउज़ में मेन चीज़ होती है स्लीव्स की कटिंग, अगर वो नहीं अच्छे से होगी तो झोल आएगा ब्लाउज़ में, फिर आपका तिरछी की सिलाई मिलेगी नहीं, साइड की जो सिलाई होती है वो मिलती नहीं है। सेम वैसे स्लीव्स कटिंग करनी है जैसे मैंने आपको बताया, तो उसी नाप से मैं यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ, और मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग नीचे ले सकती हैं। स्तर पे ही कटिंग करनी है सबसे पहले, ठीक है। अपनी लेंथ चेक करना है अपने अच्छे से, जितना भी लेंथ है 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके 1 या 1.5 इंच नीचे से मार्जिन ले लीजिए। उसके बाद अब आपने नीचे से छटाई करनी है, ठीक है। 6 32 6 से उसका 5वां हिस्सा करके प्लस मैं 1/2 इंच लूँगी, ठीक है। तो जितना भी आपका बनता है उतने में करिए, और 2.5 इंच आपने ऊपर से लेना है। मेरी तरफ बंद वाली साइड है, ये ध्यान रखिएगा, 4 लेयर में कपड़ा है और मेरी तरफ बंद वाली साइड है। अब आपने एक स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखिए क्या करना है, जितना भी आपका बन रहा है उसमें आपने निशान लगाना है, और जितना आपने पीछे से मार्जिन लिया 2 इंच, तो 2 इंच पर आप इस तरीके से निशान लगाएंगी, ठीक है। अब अपने आपको इसको चेक कर लीजिएगा अच्छा सा कि आपका परफेक्ट बैठा है या नहीं बैठा। 2 इंच आगे से लिया है मैंने राउंड शेप देने के लिए, क्योंकि आगे से कोई शेप नहीं देते हम। पहले एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब 1/2 इंच ऊपर से लेते हुए एक राउंड शेप आपने देनी है, ठीक है। अब इसकी कटिंग कैसे करेंगे वो बता देती हूँ। नीचे से गोलाई आपने 1/2 इंच पर निशान लगाना है और 1.5 इंच यहाँ से मार्जिन लेना है, ठीक है। अब उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है, उसके बाद अब इसकी कटिंग करेंगे। अब जहाँ से स्ट्रेट लाइन है कट का निशान भी लगाना है और अच्छे से शेप देनी है, राउंड शेप, ठीक है। नीचे से भी कट का निशान लगाना है, जहाँ से फोल्ड करोगे वहाँ पे भी कट का निशान लगाना है, ठीक है। कट का निशान लगाने के बाद इसे खोलो और जहाँ पे आपने निशान लगाना है तिरछा, वहाँ पर 1/2 इंच की फ्रंट की छटाई होती है ब्लाउज़ में, फ्रंट की छटाई होती है, तो आपने यहाँ पर कटिंग करनी है 1/2 इंच, ये फ्रंट में आता है ये वाला पल्ला। अब देखो स्लीव्स आपकी पूरी बैठी नहीं बैठी, उठाओ और चेक करो, 1/2 इंच तो शोल्डर की सिलाई में तब जाएगा ऊपर, ठीक है। और स्लीव्स को लेना और चेक करो कि आपकी इस मेथड से परफेक्ट आई है नहीं आई है। फिर नहीं आती फिर इसकी एक और सेपरेट वीडियो बनाऊँगी खाली स्लीव्स के ऊपर, और मैं फैशन डिज़ाइनिंग के भी वीडियो डाल रही हूँ, अगर जिसे करना है वो भी चेक कर सकता है। देखिए एकदम स्लीव्स आपकी परफेक्ट आ गई है, ठीक है। अब आपने गले के लिए और एक पट्टी यानी कि तिरछी पट्टी की कटिंग करनी है, तो इस तरीके से तिरछा ले लीजिए, क्योंकि और एक पट्टी जो होती है तिरछी कटिंग होती है, ठीक है। 1.5 इंच या 1 इंच आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ले सकती हैं, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच ले रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा होगा स्टिचिंग के बाद मैं कटिंग करके निकाल दूँगी।
जितनी आपका डीप नेक होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने पट्टियाँ निकालनी है। और मैं गले पे बैक पे डिज़ाइन बनाऊंगी तो उसकी वीडियो भी ज़रूर शेयर करूंगी। मेरी वीडियो पसंद आती तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ नहीं। मैंने अभी तक 10 ब्लाउज़ बनाए हैं। 10 ब्लाउज़ में जब मैं स्टार्टिंग में जब सीखती थी तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। मैं 10 ब्लाउज़ बनाने के बाद मेरा एक परफेक्ट ब्लाउज़ बना है। तो ये मत समझिएगा कि भाई एकदम से स्टिचिंग का काम आ जाता है जो बिगिनर्स होते हैं, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि प्रैक्टिस ही काम को परफेक्ट बनाते। तो आपने जब तक आपका काम परफेक्ट नहीं होगा आप प्रैक्टिस ही करती रहिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अपने जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसको लेंगी, ठीक है, उसको डबल फोल्ड करना, बंद वाली साइड अपनी तरफ रखना है, ठीक है, सेम टू सेम। और कपड़े की डिज़ाइन देखकर आपने कटिंग करनी। मेरे से वीडियो के चक्कर में क्या हुआ था कि डिज़ाइन जो था नीचे की तरफ आ गया, देखिए इस तरीके से रखा है मैंने, ये गलत रख दिया मैंने, तो कोई नहीं, मेरा ही ब्लाउज़ है, डीप नेक है तो चला जाएगा डिज़ाइन। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब भी कटिंग करें ब्लाउज़ को उसके ऊपर रखें तो डिज़ाइन ज़रूर चेक करें कि ऊपर की तरफ आना चाहिए। बिगिनर्स लोगों की भी गलती होती है, हमसे भी हो जाती है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से कटिंग करना है आपने, ठीक है। आप स्लीव्स को भी रखिए अपने अकॉर्डिंग और अपनी कटिंग कर दीजिएगा। पिन लगा के आप कटिंग करिए बिठा के अपने कपड़े को, और हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, स्टिचिंग के बाद निकाल देंगे। इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग हो गई है। मेरी वीडियो पसंद आती लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।